पिछले एपिसोड में आपने देखा रेडियो मजा की एनिवर्सरी पार्टी मस्ती मजा से खतरे की बला बन जाती है जब गोल्ड से लदी एक औरत पार्टी में बिन बुलाई मेहमान बनकर आ जाती है। ए जवान मर्द, क्या तुम अपनी गेम में मुझे शामिल करोगे? हाँ, क्यों नहीं, तो आप हमारी टीम तो ज्वाइन कर नहीं सकती, आप लड़कियों की टीम ज्वाइन कर लीजिए। ए सुंदरी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मारना जिसे भी। जल्द ही आर्यन को समझ आ जाता है कि ये कोई आम गोल्ड का शौक रखती लेडी नहीं बल्कि त्रिलोकी की दैत्य है। आज से ये तेरी दुनिया है, यहाँ तुझे कोई भी तकलीफ नहीं देगा और इस दुनिया को तू जैसा रूप देना चाहे दे सकती है। ये लो और मेरी सेना बनाओ। और जब ये डायन पिसू को अपने साथ लेकर धरती से चली जाती है, और अब देखिए आगे। चाची, आर्यन, पिसू को बोल। आप चिंता मत करो, मैं पिसू को वापस लेकर आऊं। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स अ लॉट कि तुम लोग यहाँ चाची के साथ। अब तुम लोग घर जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही हो। नहीं आर्यन भैया, हम यहीं पर हैं, हम आंटी के साथ रहेंगे। यू नो मरी, आप जाके पिसू को लेकर आइए। बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि बिना मियाकी की मदद के तुमने दुश्मनों को पहचान लिया। और लेकिन फिर भी दुश्मन मेरे भाई को अपने साथ लेके, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, स्वर्णखा से लड़ने के लिए मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, तुम्हें एक चीज दे सकता हूँ। मांगो, लेकिन कोई ऐसी चीज मांगना जो तुम्हारे काम आ सके। आग, फायर, जो आग की जरूरत है, क्योंकि सोने को सिर्फ आग पिघला सकती है और स्वर्णखा की शक्ति उसके सोने में है। बहुत खूब आर्यन, लेकिन ये बात याद रहे कि इस अग्नि का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, तो सोच समझ कर करना।
आर्यन, दैट गोल्डन लेडी स्वर्णखा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आर्यन, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। माना तुमने अपने चाचू को खोया है और अब अपने भाई को नहीं खोना चाहते, पर गुस्सा तुम्हारा हथियार नहीं है, बल्कि ऐसे तो तुम गुस्से के गुलाम हो जाओगे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। कैसे नहीं होगा आर्यन? स्वर्णखा के बारे में तुम क्या जानते हो? उसकी दुनिया के बारे में क्या जानते हो? उसकी दुनिया में तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें हारने पर मजबूर कर देगा। उसकी सुनहरी आभा, सोने जैसा तेज, और कुछ नहीं बल्कि उसकी नफरत और बदले की आग में तप कर जलकर बना हुआ एक सतही रूप। उसकी दुनिया में अगर ये गुस्सा लेकर जाओगे तो जल जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। जो होगा देखा जाएगा, I don't care। आर्यन, ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे काबू में है। तुम्हें अपने मन के अंदर से इस बदले की भावना, गुस्से और नफरत को दूर करना है। प्यार और करुणा के पलों को याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि गुस्सा तुम्हें कमजोर कर रहा है, तब उन पलों को याद करो। स्वर्णखा की खूबसूर्ती पर मत जाना आर्यन। वो एक डायन है। और ये लो। ये क्या है? मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं करती आर्यन, रख लो, काम आएंगे। ठीक है, रख लेता हूँ। और भी कुछ दे दो, रॉकस्टार जैकेट, स्पंकी हेयर स्टाइल या फिर कोई चेन चेन। चलो अच्छा है, कम से कम तुम मजाक करना नहीं भूले। ऑल द बेस्ट आर्यन। सोने की है तेरी काया, सोने की है तेरी माया, जी करता है देख के तुझको, बन जाऊं मैं तेरा साया। सोने की है नगरी तेरी, सोने की है तेरी आभा, स्वर्ण लता तू है स्वर्ण नखा, जुग जुग पहले तेरा साया। अब चंचल मन पिसू, आओ मेरे पास आओ। तुम्हारे पूर्वज तीनों लोकों में सबसे गैर गुजरे हैं, मानते हो ना? जी रानी साहिबा। वो नफरत और घृणा के पात्र हैं, बस और कुछ नहीं। जी रानी साहिबा। तो जब उस खानदान से कोई तुम्हें लेने आएगा, क्या तुम उसके साथ चले जाओ? नहीं रानी साहिबा, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपके पास ही रहूंगा। ये हुई ना बात, तो फिर सुनो, अगर वहां से कोई आए और मेरे पास आना चाहे, तुम उसे मारोगे। जी रानी साहिबा। उसे मार कर मेरे कदमों में डालोगे। जी रानी साहिबा। उसे जान से मारोगे, लेकिन पहले हमें मनी दे दे और फिर उसकी जान ले लेना। जी रानी साहिबा। बहुत अच्छे, अब जाओ आराम करो। ओ मेरी प्यारी शायर, तुम कहाँ गई? आओ कुछ अच्छा सुनाओ, मेरे दिल को सुकून दो।
ये डायन है तो बहुत सुंदर, लेकिन इसकी एस्थेटिक ब्यूटी बहुत पुअर है। ये ना रावण की लंका है, रावणी की लंका। इस चकाचौंध में हर जगह स्वर्ण तो है, इन ये स्वर्ण का कहां मिलेगी? इंसान है पर ये लोग यहां कैसे आए और आर्मी की तरह मार्च करते हुए कहां जा रहे? भाई साहब आप लोग कौन है, कहां जा रहे? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं, भाई साहब मेरी बात सुनो, कहां जा रहे आप, बताइए तो मुझे। अरे सुनो, हद है यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब इन सब बोरियों में सोने के सिक्के थे, ये ने लेके जा कर रहे हैं। कितने कम सिक्के, क्या मजाक हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम इन सब के साथ? तुम वही हो ना जिसका इंतजार था देवी को, देवी स्वर्णखा को? हाँ मैं वही हूँ। तो जाओ देवी को प्रणाम करो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे इन दो कौड़ी के लोगों को सबक सिखाना है। इससे पहले मैं तेरी खबर लूंगा, तू होता कौन है इन पे चाबुक चलाने वाला? कौन होता हूँ मैं बताऊं? उल्लू के तुम सीधा देवी के पास जाता तो बच जाता, लेकिन अब तू मेरा गुलाम बनकर रहेगा और इन्हीं की तरह कोड़े खाएगा। अच्छा एक बात बता, ये देवी तू स्वर्णखा को कह रहा है ना? हाँ वही देवी जिसका बुरा हाल किया था तेरे पूर्वज ने, किंतु अब वो फिर से देवी बन गई और अब तुमसे मणि लेकर। मणि? ये बता तू इन इंसानों को कहां से लेके आया? कहीं से भी लाया तुझे मतलब? ये जानकर क्या करेगा कि मैंने कहां से लाया, क्यों लाया और कब लाया? ये मेरे गुलाम, अब तू भी मेरा गुलाम बनेगा इस कोड़े के जोर से जैसे मैंने इन्हें गुलाम बनाया है, और तू भी मेरे लिए सोना निकालेगा। और कितने सोने का करेगा? क्या करूंगा इतने सोने का, ये सारा सोना मेरा है। और वैसे भी इस सोने से सुंदर इन तीनों लोगों में है ही क्या? इससे सुंदर क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये फूल तुम्हें सुंदर लगते हैं? छूना मत इसे। आया मजा मेरी दुनिया में, आप मुझसे ही खेल रहा है। चला जा यहां से, मुझे अपना काम करने दे। खेलूंगा तो मैं तेरे साथ।
तू मेरे खंजर से मुझे डराएगा? तू खूबसूरती की पूजा करता है ना, तो ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली खूबसूरती क्या है। यह है निसर्ग की सुंदरता जिस पर तू सोने की परत चढ़ाकर खुद को बेवकूफ बना रहा था। बकवास है सब, सोने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। शक्तियां इस चाबुक में थी। बैठो यहां पे, मैंने कहा बैठो यहां पे। इतने जो इंसान थे वो कहां गए? मैंने कहा ना, वो ताकत मेरे चाबुक में थी, तुमने चाबुक छीन ली, सब गायब हो गया। ओ, तुम भी अपने छलावे में जी रहे थे, तो ठीक है, अब तुम अपने ही छलावे में जियो, अब तुम यही बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे तुम, ये मेरा हुक्म है। अब ये बताओ स्वर्णगा के पालतू, इस स्वर्णगा तक पहुंचने से पहले किस किस से मिलने के चांसेस है? एक शख्स मिलेगा, मुझसे भी भयानक, लेकिन उसे हराना नामुमकिन। कौन? जे उर्फ जानलेवा जादूगर, पाताल की सारी तंत्र विद्या और जादू उसकी मुट्ठी में, वो तुम्हें सुनहरी मीनार में मिलेगा। और क्या जानते हैं उसके बारे में? कुछ 1000 साल पुरानी बात होगी, तब उसे कोई नहीं जानता। क्या हुआ? पहले ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम बकवास मत करो। रानी साहिबा, पाताल की गहराइयों से आपसे कोई मिलने आया है और वो आपके लिए तोहफा लेकर आया है। फिर से? पहले जो आए थे उनका हश्र क्या हुआ था, ये तो तुमने उसे बता दिया ना? लेकिन ये जो शख्स है ये कह रहा है कि ये आपके औकात को जानता है, बस एक मौका चाहता है। तो जाओ भेजो उसे, शायद उसकी मौत का समय आ गया है और उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। जाओ। कहाँ के विदूषक हो? विदूषक नहीं, मैं तो रानी साहिबा का गुलाम, देवी का भक्त, और मेरी श्रद्धा मेरे तोहफे में। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे लिए तोहफा लेके आए जो मुझे नहीं पसंद, उनके साथ क्या हशर हुआ ये तो तुम जानते ही हो, फिर भी तुम अपना तोहफा मुझे दिखाना चाहोगे? आपकी औकात एक बात है और आपकी पसंद एक अलग बात। आपकी औकात तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपकी पसंद पेश कर सकता हूं।
जलील, तुम्हें तो मैं मन की इच्छा तो सामने लाइए। वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है? वो चीज जिसके बारे में सोचकर आपका मन आज भी बहल जाता है। पार्की हो तो खुद ही सोच लेते। चलो मैं ही बताती। वो चीज तब की है जब मैं पृथ्वी लोक में रहती थी। कलसी तो मुझे अपने हसीन दिनों की यादें दिलाती है। तुमने मेरा मन जीत लिया। आज से तुम यही रहोगे, इस जगह की हिफाजत करोगे। आज से तुम मेरे गुलाम। आर्यन भैया, भैया प्लीज मुझे बचा लो। तू चिंता मत कर पिशु, मैं तुझे बचाने ही आया हूं। शायद शायद तुम्हें इसकी जरूरत है। कौन हो तुम और ये मेरे भाई को क्यों कैद करके रखा है? मैं हूं जे जे। ओ जानलेवा जादूगर, स्वर्ण खा के दूसरे पल है ना? रखा तो बड़े नाज से है तेरे भाई को यार, लेकिन तुम इंसान रोते बहुत, कभी खुशी नहीं होते। खैर तुम्हें ये चाबी चाहिए ना, तो ले लो। ये लो। देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे नीचे रख दूं, तो चुपचाप मुझे वो चाबी दे दो और पिस्सू को छोड़ दो, नहीं तो भैया प्लीज जल्दी करो भैया, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। उफ इंसान कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाता है। ये पिंजरा तेरे भाई के लिए नहीं, तेरे लिए ही बनाया था। अब तू यहां से कहीं नहीं जा सकता। आराम कर रक्षक,
आराम, कहीं नहीं जाना, इसी दुनिया में रहना है तुझे। बिल्कुल अपने भाई की तरह। क्या नाम है उसका? हाँ, पिस्सू, पिस्सू। ये क्या है? रख लो, काम आएंगे। ये मेरा गुलाम है, इसके सारे खानदान को गुलाम बनाने आई हूं मैं, के भाई को भी। अगर चाहूं तो तुम्हें यहां से दासी बनाकर ले जा सकती हूं, मगर यहां क्या हुआ ये सुनाने छोड़े जा रही हूं मैं। आंटी, आंटी अब ठीक तो है ना? आई कैन बिलीव दिस, हमने जो इतना बाहर देखा, ऐसा भी हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पिस्सू कहाँ चले गया? बेटा, पिस्सू जहाँ भी है बिल्कुल सेफ है। उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद है उसके साथ। He'll be fine। जी बिल्कुल आंटी, मुझे भी लगता है कि पिस्सू वापस आएगा। बाकी आर्यन भैया किधर गए? आर्यन अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, यहाँ पुलिस के पास गया होगा, पिस्सू को लेके आए। बड़ी जल्दी आए। मेरा भाई कहाँ है? अब क्या फायदा? उस वक्त कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी? बड़े भाई हो, छोटे भाई पे नजर रखनी चाहिए, पर वो नहीं हूं। अब छोटे भाई की नजर तुम पर। ठीक है ना भाई? पिस्सू ठीक है ना? पिस्सू मैं तेरा भाई हूं यार। पिस्सू मैं तुझे लेने आया हूं यार। पिस्सू वो मणि मुझे दे दो।
पिसु को मैं रोक लूंगी। वो मेरा गुलाम है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। Just shut up. बस पिसु, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा तू? स्टॉप इट पिसु, अब बहुत हो गया। तेरी लास्ट वार्निंग थी पिसु, तुझे देखना है ना कि मैं तुझे मार सकता हूं या नहीं, तू देख। आर्यन, तुम्हारी शक्ति तुम में है, तुम्हारे काबू में। तुम्हें अपने मन के अंदर से गुस्से, बदले और नफरत की भावना को दूर रखना होगा। प्यार और करुणा के पलों को याद करो। जब भी तुम्हें लगे कि गुस्सा तुम्हें कमजोर कर रहा है, तब उन पलों को याद करो। भैया। हाँ बिशु। मैंने ना शैटल एक्सपेंस सीख लिया है। भैया, आप जब अपने रेडियो चैनल की पार्टी से वापस आओगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा। क्या हो तुझे? शायद से तेरा क्या मतलब? क्योंकि भैया, जब तक मैं आपको दिखा नहीं देता ना, तब तक मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। भैया, मैं आपको कितना भी चिढ़ाता हूँ, पर आप मेरे सुपर हीरो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। कोई बात नहीं, तू सीख जाएगा, चिंता मत कर। प्लीज देख, अब और नहीं। हाँ ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाली। अगर तुम्हारा भाई जिंदा चाहिए तो मणि मुझे दे दो, वरना तुम्हारे नजरों के सामने में इसे मैं नहीं, नहीं सुन रखा। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, रुको। मैं उससे क्या बात करूँ जिसके पूर्वज ने मेरी नाक काट दी, मुझे जलील किया। मणि मुझे दे दो, वरना दोस्त भाई सब खो बैठोगे। मैं सबको मार डालूंगी, यहाँ पर भी और ऊपर धरती पर भी। जब तक मणि मुझे नहीं मिलेगी, तब तक एक एक की जान लेती रहूंगी। जल्दी कुछ सोच आर्यन, इसका ध्यान बटा, इसे बातों में फंसा। कुछ नहीं तो जो ये सुनना चाहती है उसे सुनने दे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने अपनी और अपनी पूर्वजों की गलती मान ली है। मुझे पता है उन्होंने तुम्हें ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की, और सच बताऊं तो मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर और हसीन औरत नहीं देखी है। वेरी गुड आर्यन, लगे रहो। इसके झूठे गुमान के साथ खेल, इसके अहम को रोटी दे। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही है, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं।
बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? शादी कर लूँ मैं तुमसे? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? तुमसे कोई क्यों नहीं शादी करना चाहेगा? माना मैं बच्चा लगता हूँ, बट तुम भी कौन से मुझसे कोई बहुत ज्यादा बड़ी लगती हो। बस फर्क ये है कि तुम बहुत सुंदर हो पर मैं मामूली हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारा उम्र भर साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। सोच रही हो? देखो मेरे पास मणि, तुम और मैं मिलकर तीनों लोगों पे राज कर सकते हैं। श्रीलोकी भी बीच में नहीं आए और हमसे बेहतर जोड़ी तो तीनों लोगों में कहीं भी नहीं होगी, है ना? तो बोलो तुम सच में मुझसे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन इन सबके सामने नहीं, अब मुझे शर्म आ रही है। जाओ, दरबार खत्म हुआ और साथ में पीसू को भी साथ ले जाओ। बोलो क्या कहना चाहते हो? पहले अपनी आंखें बंद करो। मुझे आग की जरूरत है क्योंकि सोने को सिर्फ आग पिघला सकती है। बोलो ना, हमारे हाथों की गर्मी महसूस कर रही और तुम्हारे दिल की धड़कन। सर धड़कन ही क्यों, धमाका भी महसूस करो देवी। अरे भाई को बीच में लाकर सहने की असर रखा, अब तुम नहीं बचने वाली।
भागो यहाँ से, कोई नहीं बच पाएगा। इस महल से जितना दूर सकते हो तो दूर भागो। भागो, निकलो निकलो। स्वर्णरेखा देवी, मैंने कभी तुम्हारी डायन वाली शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन अगर अब कोई डायन तुम्हारी ये हालत देख ले तो वो जरूर डर जाएगी। तुम्हारी नाक एक रक्षक ने काटी थी ना, तो त्रिलोकी से पूछ लेती कि मैं एक रक्षक नहीं, महारक्षक। बहुत हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मैं उस गोल्डन औरत से लड़ रहा था। मैंने उसे हराया कि नहीं? ऑब्वियसली तूने ही हराया होगा, तू इतना ब्रेव जो है तू भाई। हाँ हाँ पिस्सू। फ्रेंड्स, इसी बात पर एक गेम हो जाए। भैया आपने मेरी लेग स्पिन नहीं देखी ना? अभी देख लेते हैं, रुक। मजा आएगा। और आंटी ऑरेंज कलर का समोसा। खाना खाना 24 घंटे का। भैया, मैं जो आपको डिलीवरी की बात कर रहा था ना, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आजा। Come on guys। और अभी किचन एंड से आ रहे हैं बॉलिंग के लिए पिस्सू अपनी लेग स्पिन के साथ। सामने खड़े हैं आर्यन जो कि उनकी लेग स्पिन का सामना करेंगे। देखते हैं आर्यन उनकी लेग स्पिन का सामना कैसे करेंगे। और ये पिस्सू ने बॉल डाला और ये यस, सी माय लेग स्पिन। व्हाट अ स्मैशिंग लेग स्पिन। यही कमजोरी होती है अच्छे लोगों की कि वो खुद के फायदे की नहीं सोच पाते हैं। अच्छा है, अब आर्यन को भी मेरे फायदे का ही सोचना है। आर्यन को तो इस बात का एहसास भी नहीं है, नियति ने उसको मेरे फायदे के लिए ही बनाया है। उसकी जिम्मेदारी अंत में वो मणि मुझ तक लाने की है, मुझ तक पहुंचाने की है।